Yeah. Nothing is easy. Why? Your turn. Flex is about comfort. Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel, this is me Faiza Dar. I hope you all are doing well. तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गाड़ी से व्लॉग क्यों स्टार्ट किया, एनी केड़ी काली सी, क्योंकि मैं हमेशा की तरह आज भी लेट हूँ. पहुँचना कहीं 2 बजे होता है तो घर से निकलती ही 2 बजे हूँ. ये आदत खत्म करनी पड़ेगी, अपना स्केड्यूल थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा. बेटा, तुमसे ना हो पाएगा. सारी मस्ती जो है ना रात को लेट सोने की वजह से है. तो कुछ बुरी आदतें हैं, टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता आदतों को ठीक करने में, इतनी जल्दी नहीं ठीक होती, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह. तो अभी प्लान कुछ ये है कि मेगाजोन मैं आपको बता दूं, मेगाजोन एक एंटरटेनमेंट हब है जहाँ पे गेमिंग है और जिम है और बहुत कुछ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब छोटी सी थी तब हम लोग सिस्टर्स जाया करती थी, बॉलिंग किया करती थी. अभी बहुत टाइम हो गया मैं नहीं गई, अभी वहाँ जाकर आपको मैं दिखाती हूँ मेगाजोन. तो मेगाजोन वालों की तरफ से एक शूट है और जो आउटफिट्स हैं, जो जिम वेयर हैं, वो है फ्लेक्स क्लोदिंग .co की तरफ से. तो अभी बस ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के आपको मेगाजोन और फ्लेक्स क्लोदिंग .co के ऑनर से मिलाते हैं. ये है मेगाजोन, अब इधर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है. तो अभी हम मेगाजोन में आए हैं, यहाँ पे मेगाजोन की तरफ से शूट है और ये देखें. अस्सलाम वालेकुम, अगर आप डेली करें ना तो आप स्मार्ट हो जाएं. ये शूट के लिए हो रहा है, ये डेली बिल्कुल भी नहीं करते. ये फूड ब्लॉगर हैं, ये खाते हैं पीते हैं और ये बिल्कुल जिम नहीं करते. इतने टाइम से सोच रही हूँ कि दोबारा से जिम स्टार्ट करती हूँ लेकिन नहीं हो पा रही, लेकिन आज शूट के बहाने मैं जिम में आ तो गई हूँ, तो थोड़ी सी कर लेते हैं हम भी. गो ये BTS आप चेक करें. बहुत मुश्किल है ना, बहुत अरसे बाद. मेरा भी यही हाल था. उमर, ये क्या हरकत है, वाह क्या सीन है. I'm gonna post it. ये क्या हरकत है उमर. ये देखें बिलाल हमारे ग्रुप में एज अ सेल्फी स्टिक काम करते हैं. सारी खराब कर रहे तो तुम बता देना कि तुम वीडियो बना रहे हो. ये क्या हो रहा है, ये आप हर जगह अपना कंटेंट निकालते रहते हैं. कोई जगह नहीं छोड़ते आप. आज शूट है, इस पे भी आप अपना कंटेंट निकाल. ऑनेस्ट काम के साथ. तो हमारे साथ इस शूट पर हैं आयशा और अरीशा. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग. तो हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आज. Yes. तो आपको अभी बताना पड़ेगा कि आप लोग क्या करते हैं. ओके, आई एम अ ब्लॉगर. ओके, प्लस मॉडलिंग भी करती हूँ और साथ एक्टिंग भी. गुड, नाइस. एंड आरिशा, आई ओन अ सलून और ब्लॉगर भी हूँ और इसके अलावा चिल करती हूँ, सोती हूँ. शाबाश बेटा, ये बेस्ट है. चिल करो सो, ये बेस्ट है. ऐसे लोग कहते हैं ना कि ब्लॉगिंग मुश्किल नहीं है. क्या है वो सिंपल फिरना है और चीजें पोस्ट कर देना है. जब आपको कंटेंट लेकिन बनाना पड़ता है ना तब आपको पता चलता है. सही है, एग्जैक्टली. आपको कंटेंट बनाना पड़ता है. या एग्जैक्टली, नथिंग इज इजी. या ट्रू. ये जो कहते हैं कि ब्लॉगिंग मुश्किल आसान है, नहीं यार, आप भी कर लें. हाँ कर लें. अच्छा, मैं जब भी किसी फूड ब्लॉगर से मिलती हूँ ना तो एक क्वेश्चन मैं लाजमी करती हूँ, जो मेरे साथ भी होता है ना. मतलब मैं फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में बता बता के थक गई हूँ कि
मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा, फिर भी लोग नीचे कमेंट करते हैं इस सब के पैसे कौन देता है, इतना सारा खाना लेके कहाँ जाती हो, ये क्या करती हो। फायजा तो डेली बाहर खाती है, डेली बाहर खाती है, अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो हाँ इसको को बाहर का खाना बंद करे। और लिटरली आप लोग यकीन करें, मैं कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, मैं चिकन नहीं खा सकती, मैं एग्स नहीं खा सकती, मुझे फूड इतनी, मुझे फूड एलर्जी है, आधी से ज्यादा चीजों की मुझे एलर्जी, लेकिन फिर भी लोग कह रहे होते हैं ये कैसे खाती हो, वो कैसे खाती हो। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं? हाँ, मुझे शुरू में करनी पड़ती थी, फेस करनी पड़ती थी। तुम तो हर वक्त फिटती रहती हो, खाती रहती हो, मोटी नहीं होती। तो मैं क्लियर कर करके थक गई हूँ। देखें, ये जो हम लोग फिरते रहते हैं, ये हम फिर नहीं रहे होते, ये काम है हमारा। और ये जो फ्री का खाना मिल रहा होता है, ये भी काम है। हम फ्री में खाते भी हैं और हम खाने के पैसे भी लेते हैं, ऐसा ही है ना? अब समझ लगी आप लोगों को? तो आउटडोर शूट जो है वो हो गया है और अब हम लोग आएंगे और हम लोग गेमिंग और बॉलिंग को कवर करेंगे। और ये कितना मजे का यार, हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये गेमिंग एरिया पूरा भरा हुआ है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं बॉलिंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? चीख के आराम से बात करो। सबसे पहले करेंगे उमेर। से ना हो पाएगा। चलो। नहीं नहीं। दी दी। बोले जो आप कह रहे थे। Strike. आप जो कह रहे थे वो दोबारा रिपीट करें। कंप्लीट शॉट। कंप्लीट। चलिए देखते हैं। आए। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। वैसे वीडियो के अलावा मैं कर लेता हूं। नहीं, इसीलिए कहते हैं कि ना पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। मैं दोबारा ट्राई करूं, फिर एक और चांस। चलो जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये हैं वो लड़के जो फारिग है, समझ रहे हो? एक भी शॉट अच्छी नहीं दिलूंगी। ओहो, गजब बेइज्जती है। अब मैं आपको मिलाती हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जो फूड ब्लॉगर भी है, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं और मॉडल भी है। वाह। और रिसेंटली इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। अभी जो हमने आउटफिट पहने हैं आज के शूट में, जितने भी आउटफिट यूज़ हुए हैं, जिम वेयर यूज़ हुए हैं, वो इन्हीं के ब्रांड के हैं। अब उससे ज़्यादा आपको ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। अब आप बताएं मॉडल। तो मॉडल के साथ साथ आपने अपना एक ब्रांड बनाया है, उसके बारे में बताएं। सो बेसिकली फ्लेक्स इज अबाउट कम्फर्ट क्लोदिंग। और आजकल लोग काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि यार क्लोदिंग तो ले लेते हैं पर कंफर्टेबल नहीं होती। सो एक्चुअली हमारा एम बी ये है कि हमें कंफर्टेबल क्लोदिंग दें। और आई एम वेयरिंग फ्लेक्स
आपने भी जैसे फ्लेक्स पहना हुआ है, सो आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा लाइक ओवरऑल। मुझे बहुत अच्छा लगा है, स्टफ बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इनका जो ब्रांड है वो flexclothing.co के नाम से है, आप इंस्टाग्राम पे जाएं और जाके आप चेक कर सकते हैं। हमारे स्पेशल अभी 50% ऑफ भी चल रहा है, बल्कि डिस्काउंट, सो डू शॉप एंड कमेंट करें। आप फैजा को बताएं, उमेर के बारे में तो पूरा व्लॉग बना चुके हैं हम। उमेर इज माय फेवरेट फूड ब्लॉगर, तो इस पे तो पूरा बन चुका है। भी बाय द वे आप दिखाएं अगर उमेर, हाँ ये देखें उमेर ने भी फ्लेक्स पहना हुआ है। इन्होंने भी फ्लेक्स पहना हुआ है और ये मेरा आप देख सकते हैं, मैंने भी पहना है। तो आप इंस्टाग्राम पे जाएं और वहाँ पर जाके ऑर्डर करें, flexclothing.co के डिस्काउंट मिलेगा कोई स्पेशल 50% भी है, और आपके रेफरेंस से आएंगे तो हम फ्री डिलीवरी भी कर देंगे। ओहो, और आप लोगों को क्या चाहिए, जल्दी जल्दी से जाएं। हम लोगों को पता है क्या हुआ है, क्या मतलब है क्या मतलब है, मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ। अच्छा पता है, आउटफिट ना मेरी गाड़ी में पड़ा ना, तो मैं रख रही थी ना, तो कोई लड़का आया, कोई बॉय आया, वो आके कहता है कि इनमें से कुछ सूट हमें भी दे दें। आई वॉज लाइक के ये आउटफिट हमें नहीं मिला जिन्होंने शूट किया, तुम्हें कैसे मिलेगा। देखिए एक होता है प्रोलाल, अब तुम्हें मैं वो कॉन्सेप्ट में फायजा को देना पड़ेगा। देखो मैं फायजा की मेमोरी में बताता हूँ, फायजा को हम बहुत पहले इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं इन्होंने, तो मेरे ख्याल सूटकेस में रखा हुआ है वो। बात तो सही है। नहीं नहीं बिलाल, मैं न्यू ईयर पे पहन चुकी हूँ। सही बात है। असल में फायजा ने कहा कि जब कलेक्शन खत्म हो जाएगी ना और ये यूनिक हो जाएगी एंटीक कलेक्शन, मैं निकाल के सिंगल पहनूंगी, मेरे पास है खाली और किसी के पास वो जो है ट्रैक सूट पहना था, लेकिन उसमें मैंने अभी तक पिक्चर नहीं लगाई। सबसे पहले बिलाल ने मुझे भेजा था, है ना। हमने आपको नबील से तो इंट्रोड्यूस करवाया नहीं, अभी हम आपको बताते हैं। नबील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप फायजा? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। आप बताएं आप कैसे हैं, और आप बताएं मेरी ऑडियंस को कि आप क्या करते हैं। मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूं, इंस्टा फूड ब्लॉग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर ब्लॉग है, और टिकटॉक के ऊपर भी चैनल है नबील रिव्यूज के नाम से, और मैं खाता हूं, खाते खाने का बताता हूँ। अभी तक मेरे चैनल पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वो माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सारे फूडी हैं, फूडी हैं, खाते पीते रहते हैं। खाने को खाते हैं, लोगों को भी खाते हैं, हम फिलहाल खाने को खा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। ओके नबील, थैंक यू सो मच, थैंक यू बिलाल, थैंक यू उमेर, अल्लाह हाफिज। आप भी बाय बाय। जी जनाब, शूट हो गया है और सच में बहुत मज़ा आया, काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी फ़न किया, शूट भी था, काम भी था और फ़न भी हो गया। ऐसे एडवेंचर और फ़न लाइफ में होने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि मैं 7-8 साल पहले आई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, और मैंने तब बॉलिंग की थी, मुझे कोई बॉलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आज मैंने जो है वो गेम जो है वो विन किया है, मुझे काफ़ी मज़ा आया। अभी बस घर जाऊंगी और घर जाके करूंगी रेस्ट, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। वैसे मेरी सुबह 11-12 बजे होती है, डिपेंड करता है, अगर काम हो तो मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ, तो मॉर्निंग शो के लिए तो सुबह जल्दी ही उठना पड़ेगा ना। तो कल के व्लॉग में मैं आपको मॉर्निंग शो दिखाऊंगी और होस्ट से मिलाऊंगी, वो खुद भी बहुत अच्छी होस्ट है और मोमिना है अपनी बहन। तो अभी बस घर चलूंगी, घर जाके रेस्ट करूंगी, काफ़ी थक गई हूँ। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिए मुझे याद, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।